हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से NFSU से रिलेटेड कुछ पोजीशंस की वैकेंसी निकली, जो कि टीचिंग पोजीशंस नहीं है, बेसिकली टेम्परेरी पोस्ट हैं। ये टेम्परेरी जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि आपको इस चैनल पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी वैकेंसी, सारे अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा ग्रुप, जिसमें आपको ये सारी PDFs और अपडेट्स मिलते रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो हम डिस्कशन करते हैं। और ये रहा वो PDF जिसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 14th को आ गया था, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है 14th को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर टेम्प्रेरी पोजिशंस। टेम्प्रेरी पोजिशंस के लिए है NFSU DGIT प्रोजेक्ट वर्क है ये। और यहाँ पे जो है बेसिकली गुजरात में या फिर कहीं पे भी आपको ये पोस्टिंग दी जा सकती है। पोजिशन है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, पोस्ट एक निकली है, लोकेशन अहमदाबाद है और यहाँ पे आपको दिया जाएगा 1,30,000। फिर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की दो पोस्ट है, अहमदाबाद सूरत में है, यहाँ पे 1,00,000 जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट की दो पोस्ट है, अहमदाबाद और सूरत में 70,000 ये रहेगा। अब देखो क्या क्वालिफिकेशन मांगी, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 14th April 2024। तो अब चलो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 42 ईयर्स। सबसे पहले तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर SSO की पोस्ट के लिए है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या फिर साइंस में। अगर साइंस में है तो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या अगर फॉरेंसिक साइंस में है तो साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट हो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स। समझ में आ गया? ये सब दिया हुआ, गुड अकेडमिक रिकॉर्ड हो और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन्वेस्टिगेशन का या एनालिटिकल मेथड का। इसके अलावा अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की या BE या BTech है, ठीक है, आपके पास में साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल मांगा है अगर फैक्ट प्लस क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो उनको बहुत फायदा होगा। फिर CCMF, CFE, ENCE इन सब के अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, कंपलसरी नहीं, डिजायरेबल मतलब कंपलसरी नहीं पर अगर है तो प्रेफरेंस मिलेगा। फिर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 37 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी, मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या जो है साइंस की फील्ड में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के साथ में, बेसिकली पूरा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के साथ में होना चाहिए और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा है। और बैचलर्स डिग्री है अगर BE है, BTech है, तो आपको वही 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में रख लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर साइंटिफिक असिस्टेंट ऐसे की जो पोस्ट है उसमें भी मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या साइंस में और वही साइबर सिक्योरिटी में, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की पूरी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, इसमें देखो मास्टर्स के साथ में आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं ऐसे के लिए, और BE BTech है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मांग रहे हैं। फैक्ट क्वालिफाइड वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर हो गया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सब कुछ वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो 55% होने चाहिए आपके मास्टर्स में, ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी की ये जो जितनी भी डिटेल्स है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के लिए ये पोस्ट रहेगी आपकी, 12 मंथ्स के बाद में देखा जाएगा, बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। बाकी ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप पूरा रीड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये लेटेस्ट अपडेट था। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आओगे NFSU.ac.in/career पे, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है NFSU DGIT प्रोजेक्ट वर्क। अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करने के
बाद में आपको यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ से फिल करना है। जस्ट अ सेकेंड, ये फॉर्म लोड हो रहा है। ओके, ये हो गया ओपन। देखो, गूगल फॉर्म है बेसिकली। डियर ऑल, प्लीज रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट बिफोर अप्लाइंग। साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की दो पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट की दो पोस्ट है। 14th जो है वो लास्ट डेट दी गई है, ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स, जो इंडिया के सिर्फ उन्हीं के लिए है। अब आपको यहाँ पे बस अपना फॉर्म वगैरह पूरा फिल करना, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी वो यहाँ पे डाल देना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो यही था अपडेट NFSU के रिगार्डिंग, अपडेट्स के रिगार्डिंग, करियर वैकेंसीज और बहुत सारे अपडेट, जो भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड चीजें होती है वो आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।